नमस्कार। कोई ऐसा शख्स नहीं, किसी की भी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं जिस पर देश या प्रदेश की राजनीति का असर ना पड़ता हो। राजनेताओं के लिए हर फैसला ही नहीं, उनकी निष्क्रियता से जुड़ा हर पल भी हम सभी की जिंदगी पर कोई ना कोई असर जरूर छोड़ता है। इसी से समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी, जिसे वो अगर निभाएं तो वो उनका कर्तव्य कहलाता है और अगर ना निभाएं तो वो मौका परस्त कहलाते हैं। भले ही हरियाणा को बने अभी 50 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन यहां से जुड़े राजनेताओं की कोशिशों ने इसे उन राज्यों से भी कोसों आगे पहुंचा दिया है जिन्हें बने साल नहीं, दशक नहीं, बल्कि सदियां गुजर गई। इसी हरियाणा के इन्हीं नेताओं पर हरियाणा के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा है हमारा ये शो, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। अभी तक आपने देखा, हरियाणा के गठन के बाद से हरियाणा ने दो लालों का शासन देखा। पहले चौधरी बंसी लाल का, जिन्होंने हरियाणा का विकास तो किया लेकिन उनके निरंकुश शासन ने जनता को उनसे दूर कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री बने जन नायक चौधरी देवीलाल। उनके कामों का ग्रामीण जनता ने खूब समर्थन किया लेकिन राजनीति में वो भी मात खा गए और भजन लाल ने मौके का फायदा उठाकर उनके कई विधायकों को तोड़ लिया और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। बढ़िया मुख्यमंत्री बना बहुमती यो ओया गजब का साड़ा या सुन लो बाती दिया सीखना जो बनिया बहुमत आड़ा मुख्यमंत्री ना बहुमत गजब का साड़ा या सुन लो बात दिया सीखना बनिया बहुमत हो मुख्यमंत्री किसी ने खूब कहा है, ना किसी अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, जियो तो अपने स्वभाव में जियो। और हरियाणा के नेताओं पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। यहां जैसा मुख्यमंत्री बना वैसा ही यहां की राजनीति का स्वभाव हो गया। अभी तक हरियाणा की राजनीति को दो लाल मिल चुके थे, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल। अब यहां की राजनीति में हरियाणा का तीसरा नाम चमका था, चौधरी भजनलाल का। चौधरी देवीलाल ने जो भी किया उसके बाद उन्हें हरियाणा के निर्माता का दर्जा मिल गया, तो चौधरी बंसीलाल को उनके किए कामों के लिए हरियाणा का विकास पुरुष कहा गया। अब बारी थी तीसरे लाल यानी भजनलाल की। चौधरी भजनलाल का राजनीति में प्रवेश मैं हरियाणा में राजनीति का दुर्भाग्य कहूंगा। अगर हरियाणा में भ्रष्टाचार को जन्म हुआ दिया तो उसके जन्मदाता चौधरी भजनलाल। मैं समझता हूं कि चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के अपने किस्म के पॉलिटिशियन हैं। ये हम कह सकते हैं कि अवसरवादिता, उसमें स्वार्थ और कुटिल जो तरीके तौर तरीके हैं वो अपनाकर जो है अगर कोई आगे बढ़ता है तो इसे कोई अच्छे जो संकेत जो हैं या आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छे तो नहीं होते। चौधरी भजनलाल को कुर्सी पर बैठते ही इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्हें शासन करने में किन किन बातों की दिक्कत आए, इसीलिए आते ही वो अपने काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने उन सभी विधायकों को इनाम दिया जो दूसरी पार्टी से विद्रोह करके इनके साथ शामिल हुए। इनकी पार्टी से जुड़े लगभग हर विधायक को लाल बत्ती मिल गई। जिन्हें मंत्री पद नहीं दे पाए उसे उन्होंने किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। नेताओं के बाद बारी आई जनता की। शुरू में इन्होंने जाटों को भी खुश करने की कोशिश की लेकिन जब लगा
कि जाट किसी भी स्थिति में चौधरी देवीलाल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपनी पूरी राजनीति और ताकत गैर जाटों के आसपास बुनती। चौधरी बंसीलाल ने जहां राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत किया था, वहीं चौधरी देवीलाल ने ग्रामीण जनता का पूरा ख्याल रखा था और चौधरी भजनलाल ने सरकारी नौकरियों को अपना हथियार बनाया। उनके शासनकाल में सरकारी नौकरियां रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई, जिसकी वजह से जनता भी अब गांव की जिंदगी छोड़कर शहरों में बसने लगे, कस्बे शहरों में तब्दील होने लगे और हरियाणा का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो राजनीति में भी अपनी चालें चलने में लगे थे। उनकी नीतियों ने जनता के दिमाग में ये विश्वास बैठा दिया कि चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में सिर्फ गैर जाटों को ही सरकारी नौकरी पर रखा जाएगा। कुल मिलाकर चौधरी भजनलाल जाटों के नाम पर जनता को बांटने में कामयाब हो गए। भले ही चौधरी देवीलाल के पीछे उनके समर्थकों का पूरा हुजूम था, लेकिन अब गैर जाटों में भी एक बड़ा वर्ग चौधरी भजनलाल के पीछे खड़ा था। डेवलपमेंट के तो इतना नहीं गिना जा सकता जितनी उन्होंने पॉलिटिक्स के एंगल से डेवलपमेंट किया है। चोट भले ही ठीक हो जाए, लेकिन अपनों के दिए दर्द की पीस नहीं जाती। भजनलाल के हाथों मात खाने के बाद चौधरी देवीलाल को भी अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो उन्होंने किसानों के हित का नारा दिया और चौधरी छोटू राम के बनाए मंच को फिर से जिंदा करने में लग गए। हम अजगर यानी हरिजन, मुस्लिम, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, जिसकी वजह से जल्दी ही चौधरी देवीलाल एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत पाने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी तक भजनलाल भी काफी आगे आ चुके थे। देश नए चुनावों के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और लोकसभा के इन चुनावों के बाद कांग्रेस एक बार फिर से पावर में आ गई। चौधरी भजनलाल वक्त के साथ अपनी नीतियां बदलना तो जानते ही थे, राजनीति में भी वो कब कौन सी चाल चल देंगे इसका अंदाजा भी सिर्फ भजनलाल ही लगा सकते थे। और भजनलाल की अगली चाल देखकर तो सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह गया। उनके नाम पर दल बदली की बदनामी तो है ही सही। रातों रात पूरे दल से, पूरे दल का उन्होंने दल परिवर्तन कर दिया। पॉलिटिक्स की पीएचडी कहा करते थे वो। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है। जोधपुर की राजनीति में भजनलाल का कोई माहिर नहीं था, भजनलाल का कोई मुकाबला नहीं था। हाई कमांड के मेंबरों को उन्होंने उनको गांठने की उनको बड़ी कैपेसिटी थी उनके पास। वैसे दियो भजनलाल ने जैसे ही देखा कि इस समय जनता पार्टी का वर्चस्व लगभग समाप्त हो चुका है, वो अपने सभी 40 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। किसी भी पार्टी का पूरी तरह से दल बदलना इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ, सिवाय पार्टी के नाम के कुछ नहीं बदला। ना किसी ने आवाज उठाई, ना ही कोई विरोध हुआ, ना किसी मंत्री का प्रभार बदला गया और ना ही कोई नया नाम कैबिनेट में जुड़ा। फिर भी एक ही रात में पूरी सरकार बदल गई। ये जोड़-तोड़ की वो राजनीति थी जिसमें चौधरी भजनलाल को चाणक्य माना जाता था। ये बात चौधरी भजनलाल ने अपने शासनकाल में एक बार नहीं बार बार साबित की थी। खैर, समर्थन और विरोधों के बीच राज्य में विधानसभा के चुनाव होने का वक्त आ गया था। इन विधानसभा चुनावों के बाद ऊंट किस करवट बैठा, चौधरी देवीलाल के या भजनलाल के? आखिर ये कैसी पहेली थी? 1982 के चुनावों से जुड़ी इस अनोखी पहेली की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा में बिछ गई चुनावी बिसात, कौन होगा जनता की परीक्षा में पास? जनता किसे बनाएगी अपना दुलारा, किसे मिलेगी दुत्का? हर लोकसभा क्षेत्र की पूरी खबर
सिर्फ जनता टीवी पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री, जिसमें हम बात कर रहे थे 1979 में चौधरी भजन लाल, चौधरी देवीलाल के विधायकों को तोड़कर राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। अब मौका था 1982 में होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों का। अभी तक हरियाणा की जनता बहुत तेजी से जाट और गैर जाटों में बंट चुकी थी। निसंदेह इसका फायदा चौधरी भजन लाल को ही मिलना था, लेकिन चौधरी देवीलाल ने एक बार फिर किसान एकता का नारा देकर उनके समीकरण को बुरी तरह बिगाड़ दिया। कांग्रेस और लोकदल दोनों पार्टियों के दांव पेचों के बीच 1982 का चुनाव लड़ा गया, जिसमें हरियाणा की जनता ने पहली बार इतना अस्पष्ट बहुमत दिया। एक तरफ चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल को जहां 90 में से 31 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस ने 34 सीटें जीती। थोड़ी दूर थोड़ी पास, बहुमत के मामले में दोनों ही पार्टियों का एक ही हाल था। खैर, चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सेन को अपने साथ मिलाया, जिससे चौधरी देवीलाल की ताकत 46 तक जा पहुंची। इन सभी विधायकों को साथ लेकर वो तुरंत राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल के सामने सभी विधायकों की परेड करवा दी। राज्यपाल जीडी तपासे ने उनके बहुमत से आश्वस्त होकर उन्हें सरकार बनाने के लिए सोमवार को आने का न्योता दे दिया। चौधरी देवीलाल का गुट जहां अपनी पार्टी की सरकार के बनने से खुश था, वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छा गई थी। लेकिन चौधरी भजन लाल अभी भी निराश नहीं थे, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे? शायद जोड़ तोड़, यानी दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़। चौधरी देवीलाल भी अब तक भजन लाल की काबिलियत को पहचान चुके थे और अपनी सरकार को बनने से पहले टूटने से बचाने के लिए सभी विधायकों को लेकर परवाणु के एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए, ताकि भजन लाल किसी भी विधायक से कोई मोल भाव ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ भजन लाल इस बार दूसरी ही चाल चल चुके थे। चौधरी साहब, दिल्ली की सरकार सदमे में पड़ गई होगी और सोच रही होगी के सरकार तो दिल्ली में हमारी है और लोक दल से ज्यादा विधायक हमारे जीतते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जोड़ तोड़ का मास्टर उनकी गैल है, फिर देवीलाल कैसे बाजी मार गया। वो सब तो ठीक है, पर प्रवेट करवाइए, 12 घंटे हो गए हैं, रेडियो पे कोई खबर क्यों नहीं आ रही? चौधरी साहब, खुशखबरी सुनने को बेताब है, अब ना खबर आती तो ना सही, सीधी शपथ की तो खबर आएगी ना, वो तो कोई ना रोक सके। चुप करो, बुलेट नहीं शुरू हो रहा है। ये आकाशवाणी है, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में राज्यपाल ने चौधरी भजन लाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी गुटनिरपेक्ष देशों की एकता पर जोर दिया है। और क्रिकेट में भारतीय टीम की एक और शानदार जीत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद राज्यपाल जीडी तपसे ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। हरियाणा में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में 90 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस को जहां 34 सीटें मिली हैं, वहीं लोकदल को 31। कोई भी पार्टी वहां सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर पाई है। संविधान विशेषज्ञों से राय करने के बाद राज्यपाल जीडी तपसे ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के नेता चौधरी भजन लाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और अपना बहुमत साबित करने के लिए पूरे एक महीने का समय। प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने, मैं पहले ही कह रहा था ना, ये भजन लाल कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। बहुत हो गया इसका खेल, अब इसका ये खेल हम चलने ना देंगे। पर अब हम करेंगे क्या? उसने महीने भर में जोड़ तोड़ कर लेनी है, फिर अपनी सरकार बना लेनी है, हम तो जीत के भी हार गए। बेटे, पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पहली चोट का कोई मतलब नहीं होता। जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
और हम सब सच्चाई के साथ हैं। हम दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे, देश के मीडिया से मिलेंगे, और जब हमारे 46 विधायक हमारे साथ खड़े होंगे तो राज्यपाल का झूठ वहीं पकड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और अल्पमत की भजनलाल सरकार को बहुमत साबित करने के लिए पूरे एक महीने का वक्त दे दिया। चौधरी भजनलाल के पास जोड़ तोड़ करने के लिए इतना वक्त काफी था। जैसे ही सभी विधायकों को खबर मिली कि भजनलाल सरकार बनाने जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल के खेमे में हलचल मच गई। कई विधायक भजनलाल की सरकार में विधायक बनने के लिए वहां से खिसकने की तिकड़म भिड़ाने लग गए। फिर खबर आई कि कुछ विधायक रात में पाइप से उतरकर वहां से खिसक भी गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भला कोई कैसे पाइप से भाग सकता है? क्या तुम भाग सकते हो? ना भाई, इस काम में स्पेशल गुण चाहिए होते हैं, वो हर किसी में नहीं होते। मुझे तो लगता है इनके घर में दरवाजे की भी जरूरत नहीं, सीढ़ी की बजाय सीधा पाइप से आ जाना करते होंगे। वैसे भाई, अगर कभी मिल गए ना मुझे, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि भाई ये पाइप से आना जाना कैसे होता है। भला क्यों? अरे हमें भी तो भागना पड़ सकता। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जल्दी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और इन दो भगोड़ों ने भाग के सारा मामला बिगाड़ दिया। कुछ ना फर्क पड़ेगा, चौधरी भजनलाल के पास अभी भी पूरे विधायक नहीं हुए हैं। उसे अभी भी 3 विधायकों की जरूरत है, जो उसे नहीं मिल पाएंगे वो सरकार बना नहीं पाएगा। तो फिर देखना, मौका तो हमें ही मिलेगा, और तब देखना ये भगोड़े वापिस भाग के यही आएंगे। चौधरी साहब, वो वक्त आने में भी बहुत देरी है, और मुझे तो डर है तब तक कुछ और ना निकल जाए। ना कर्नल साहब, ना, अब ना होने देंगे ये सब कुछ। एक मिनट, क्या कोई और मौका ढूंढ रहा है क्या? अभी तो 2 हैं, लेकिन इसी तरह साथ रहे ना तो 2 के 4 होने में देर नहीं लगेगी। कौन है वो? नाम भी बता दूंगा, बस पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, आप उन्हें मेरे हवाले कर दीजिएगा। मिलिट्री वालों के हाथ से कौन बच के निकला है, वो पाइप से उतरेंगे तो मैं खिड़की से छलांग लगाकर उनसे पहले नीचे पहुंच जाऊंगा। अजी, अगर ऐसी बात है तो पहले वालों को भी क्यों भागने दिया, उन्हें भी पकड़ के रखते। मेरा तो ऐसा मानना है जी कि उन्हें बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए, अब पता तो चले आखिर वो चाह के रहे हैं। फिर तो उन्हें मेरा बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहेगा। अरे अभी तो मैं उन्हें अपनी मेहमान नवाजी के लिए लेके जा रहा हूँ ना, ये उन्हें बात समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा कर ले। हेलो, हाँ जी, जी जी, हाँ सर आ रहे हैं, मैं बात कराता हूँ। सर, कर्नल राम सिंह का फोन है, वो कह रहे हैं उनको मिलाकर उनके पास 3 विधायकों का जुगाड़ और हो गया है। कर्नल साहब, अरे कहाँ छुप गए थे आप? आपको कितना ढूंढा। आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते ही हैं। और बताइए कर्नल साहब, अब कब मिलना हो रहा है? तो आपकी मर्जी के ऊपर है। हाँ, ये मिश्रा ने बताया आपके पास 2 विधायक और हैं। अरे वो कौन है? आम खाइए ना, गुटली का पता पूछ कर क्या करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि चौधरी देवीलाल के किले से अपनी जान पर खेलकर उन्हें बाहर लेकर आया हूँ, वो भी आपके लिए। अरे कर्नल साहब, हम कौन सा पराए हैं, हम भी तो आपके ही हैं। अरे हम पूरी तरह आपके साथ ही हैं। वो तो ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बताओ कर्नल साहब, कहाँ गाड़ी भिजवाऊं? अजी गाड़ी की कमी तो हमारे पास भी नहीं है, वो हम पहुंच ही जाएंगे। अरे कर्नल साहब, अरे जिसकी कमी है वो ले लेना। बस यही तो सुनना था जी। आप जो है सदन को बुलाने का नोटिस दे दीजिएगा, मैं 2 घंटे के अंदर उनको लेके आपके पास पहुंच जाता हूँ। अरे ठीक है कर्नल साहब, बिल्कुल ठीक है। चौधरी भजनलाल की सरकार बन गई और कर्नल राम सिंह को उनका इनाम मिल गया। उन्हें भजनलाल ने स्पीकर का पद दे दिया
और देश में लोकतंत्र एक बार फिर जोड़ तोड़ की राजनीति से हार गया। चौधरी देवीलाल शायद भूल गए थे कि जिस देश में प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश पर इमरजेंसी थोप सकता है, वहां राज्यपाल अपनी मर्जी के मुख्यमंत्री को सरकार बनाने के लिए एक महीने का समय क्यों नहीं दे सकता। भजन लाल भले ही जोड़ तोड़ की राजनीति से एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनके इस कार्य का जनता में गलत संदेश जा सकता है। इसीलिए वो पूरी तरह जनता का दिल जीतने में लग गए। जो भी उनके पास आता उसका काम कराने का कोई मौका नहीं चूकते। अधिकारियों से भी उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए थे। ऐसे कई कारणों से चौधरी भजन लाल की छवि एक बहुत ही मिलनसार और मददगार मुख्यमंत्री की बन गई थी। लेकिन इस बार न किस्मत ने उनका साथ दिया और न ही आलाकमान ने। चौधरी भजन लाल का पूरा ध्यान इनाम बांटने में रहा, जिसकी वजह से राज्य में वीआईपी कल्चर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से कई आपराधिक मामले भी बढ़ गए जिनका संबंध किसी न किसी नेता से था, और इन मामलों में पीड़ितों को कभी भी न्याय नहीं मिला। इन दुखद घटनाओं ने चौधरी भजन लाल की सरकार को काफी बदनाम कर दिया था। साथ ही पंजाब में भी उन दिनों आतंकवाद अपने चरम पर था, जिसका असर हरियाणा पर भी पड़ रहा था। बस अब बाकी था ताबूत में आखिरी कील का गड़ना। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजनीति के प्रोफेसर चौधरी भजन लाल को कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जनता टीवी कहीं भी कभी भी। जनता टीवी को ऑनलाइन या मोबाइल पर देखने के लिए टाइप करें www.jantatv.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री। लगातार 8 साल तक शासन करने के बाद चौधरी भजन लाल के शासन की जड़ें अब हिलने लगी थी। दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ते आतंकवाद का असर हरियाणा पर भी पड़ रहा था, जिसे खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने पंजाब के एक बड़े अकाली नेता संत लोंगोवाल के साथ एक समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल भी शामिल हुए। इस समझौते में पंजाब के हितों का तो पूरा ख्याल रखा गया, लेकिन हरियाणा के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर दी गई, जिसे केंद्र के दबाव में शायद भजन लाल ने आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया। ये उनके राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी भूल थी। भारतीय राजनीति का ये विशेषज्ञ भूल गया था कि आला कमान भी उस नेता का तभी तक साथ देता है जब तक कम से कम जनता उसके खिलाफ ना हो। चौधरी देवीलाल ने इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में न्याय युद्ध छेड़ दिया, जिसका उन्हें न सिर्फ व्यापक समर्थन मिला बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका दर्जा काफी बढ़ गया। पूरे हरियाणा में अव्यवस्था फैल गई। हरियाणा की जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली और पंजाब पर भी इसका खूब असर पड़ा। कुछ दिनों पहले भजन लाल ने केंद्र के जिस समझौते को आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया था, उसी समझौते के बाद हुए विरोध ने केंद्र को उनसे नाराज कर दिया। केंद्र को एहसास हो गया कि चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में अब कांग्रेस शायद ही अगला चुनाव जीत पाए, और उन्होंने चौधरी भजन लाल को हटाकर चौधरी बंसी लाल को एक बार फिर हरियाणा की सबसे महत्वाकांक्षी कुर्सी पर बिठा दिया। मैं कांग्रेसी रहा हूँ, सारा जीवन कांग्रेस एक अपॉर्चुनिस्ट जमायत है, ये किसी की नहीं है, यूज करती है छोड़ देती है। चौधरी भजन लाल लगभग पूरे 7 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हरियाणा ही नहीं भारत की राजनीति में भी कई नए अध्याय जोड़े। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा के विकास को भी नहीं रुकने दिया।
कल तक जिस हरियाणा की दशा और दिशा सिर्फ गांवों पर आधारित थी, चौधरी भजन लाल के शासनकाल में उसी हरियाणा के शहरों ने खूब प्रगति की। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, साथ ही रोजगार के कई नए आयाम खुले। लेकिन अब वही शख्स हरियाणा की कुर्सी से उतार दिया गया है। फिलहाल चौधरी भजन लाल की जगह चौधरी बंसी लाल ने ले ली थी। लेकिन अब ये वो चौधरी बंसी लाल नहीं थे जिन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता था या जिन पर तानाशाह होने के कई आरोप लग चुके थे। शायद चौधरी बंसीलाल भी जानते थे कि अब आला कमान उनके हर फैसले पर आंख मूंद कर बैठने वाला नहीं है। चौधरी बंसीलाल शांत हो गए और चौधरी देवीलाल अपने पूरे रंग में आ गए। वो लगातार हरियाणा और केंद्र सरकार पर हमले कर रहे थे। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उनके पीछे खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, चौधरी देवीलाल ने सिर्फ जाटों के नेता कहलाने की छाप से अब तक आजादी पा ली थी। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी पहचान किसानों और हरियाणा के सबसे बड़े नेता के तौर पर बन गई थी। इन सब वजहों से हरियाणा में जब 1987 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई और चौधरी देवीलाल एक बार फिर हरियाणा के सिरमौर बने। लेकिन राजनीति में तूफानों का आना अभी बाकी था, बल्कि हरियाणा के चुनावों के बाद तो एक